गुड मॉर्निंग क्लास LKG चले से भी बच्चे, आज हम आपको हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट करा रहे हैं पार्ट 3 से। PA 1 में हमने आपको पार्ट 4 तक हमने आपको वर्क कराया था, आज हम आपको हाफ ईयरली पार्ट 3 से स्टार्ट करा रहे हैं। सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे, ये आपका सिलेबस है, देखिए ड्राइंग फिल द कलर ब्यूटीफुली पेज नंबर 7 से 12 तक आज हम आपको कराएंगे। सभी बच्चे चलिए मेरे साथ आप ड्राइंग ओपन करिए। देखिए यह आपकी ड्राइंग की बुक है, फन विद कलर, ये आपकी क्या है, ड्राइंग की बुक है फन विद कलर। चलिए हम इसको ओपन करेंगे। देखिए पार्ट 1 में फ्लावर वायु यान यानी कि एरोप्लेन, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पतंग घंटी, ये हमने आपको पार्ट 2 में कराई थी, ये भी हमारा पार्ट 2 का वर्क है, गुलाब। चलिए सभी बच्चे आज हम आपको पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हाफ ईयरली, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली पार्ट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पार्ट 3, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए लड़की, हिंदी में कहते हैं लड़की, इंग्लिश में कहते हैं गर्ल, गर्ल की स्पेलिंग देखिए GIRL गर्ल, गर्ल मीन लड़की, दी गई रंगीन लड़की को अनुसार रंग भरिए, यानी कि जैसे ये लड़की दी गई है इसी के तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर रंग भरना है। देखिए इंग्लिश में कलर द गर्ल विद द सेम कलर एज शो, क्या करना है हमें, सेम कलर करना है और उसको शो करना है। चलिए सभी बच्चे आप मेरे साथ देखिए ये कलर, क्या आपके कलर्स हैं, कलर पेंसिल शेड, ठीक है, ये कौन से कलर हैं, ये आपके पेंसिल के हैं, यहाँ से देखिए ये ओपन होता है, देखिए सभी बच्चे देखिए ये आपका ओपन है, देखिए ये आपके कलर हैं, देखिए ये आपके कलर हैं, यहाँ देखिए सबसे पहला कौन सा कलर है, ब्लैक, यानी कि हेयर, हेयर में कौन सा कलर आता है, ब्लैक, ये आपका ब्लैक कलर है। देखिए यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, कलर का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर पेंसिल के, ब्लैक। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कलर करेंगे बिल्कुल साफ साफ। हेयर, हेयर कैसे होते हैं, यानी कि बाल किस तरीके, किस रंग के होते हैं, काले रंग के, किस रंग के होते हैं, काले रंग के। देखिए यहाँ पर साइड में भी शेड दिए गए हैं, या बराबर में भी साइड में देखिए कलर्स के, इस कलर्स के अकॉर्डिंग ही कलर फिल करना है। देखिए इसी तरीके से हमने देखिए कितनी सफाई के साथ हमने कलर फिल करा है, ब्लैक यानी कि बाल किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। सभी बच्चे पेंसिल कलर से कलर करेंगे, देखिए हमने ब्लैक कलर रख दिया, आप स्लीव्स किस कलर, किस रंग की हैं, रेड, देखिए ये आपका रेड कलर है, किस रंग की स्लीव है, रेड, ये आपको शार्प करना है, देखिए
देखिए हमने इसको शार्प किया है अभी, इस तरीके से हम कलर भरेंगे। देखिए रेड कलर, क्या करेंगे इस तरीके से हम रेड कलर भरेंगे। देखिए साइड में भी रेड कलर के शेड दिया गया है, इस तरीके से हम कलर भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी रेड कलर का है, तो यहाँ पर भी हम रेड कलर करेंगे। यहाँ देखिए स्लिप्स, ये भी रेड कलर की हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे। ठीक है, देखिए शूज़ है, शूज़ देखिए शूज़ भी रेड कलर के हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए तो इसे क्या करेंगे, हम रफ से साफ कर देंगे। ये आपका फ्रोजी कलर है ब्लू, देखिए ब्लू यहाँ पर हम कहाँ करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कॉलर पर इस तरीके से। इस तरीके से फिल करेंगे, देखिए ये क्लीन के साथ हमने कलर का करा है। देखिए ये भी ब्लू है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पिक्चर दी गई है, सेम कलर करना है। इसी तरीके से हम कलर करेंगे, देखिए ये ब्लू कलर। देखिए फ्रॉक का कलर कौन बन रहा है, फ्रॉक का कलर येलो, ये आपका येलो कलर है, यानी कि पीला रंग। देखिए फ्रॉक के यहाँ पीला रंग है, देखिए हम पीला रंग करेंगे। तरीके से करेंगे, देखिए येलो कलर। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से इसी तरीके से साफ साफ कलर फिल करेंगे। ठीक है, देखिए ब्राउन कलर, ये आपका ब्राउन कलर है, यहाँ देखिए यह ब्राउन दिया गया है, यहाँ लाइट ब्राउन दिया गया है, यहाँ डार्क ब्राउन दिया गया है, लेकिन ये हमारे पास एक ही ब्राउन कलर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउन कलर भी करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम ब्राउन कलर करेंगे। ठीक है,
ये देखिए ये ऑरेंज कलर, हम यहाँ ऑरेंज कलर लेंगे, ये ऑरेंज कलर, हम की जगह हम ऑरेंज कलर क्या करेंगे, ऑरेंज कलर ले लेंगे। ये आपका कंप्लीट वर्क हो गया। देखिए ये आपका किस तरीके से मैंने गर्ल में कलर करा है, देखिए सेम बिल्कुल सेम कलर है। इसी तरीके से सभी बच्चे आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप भी कलर वर्क करेंगे। देखिए हमने आपको ये देखिए किस तरीके से हमने ये कलर बिल्कुल फिल किया है, इसी तरीके से सभी बच्चे करेंगे। देखिए ये भी हमने ये पहले कर रखे थे, देखिए हमने किस तरीके से बिल्कुल क्लीन कलर कर रखे हैं, अभी देखेंगे। देखिए ये भी हमारे पार्ट थ्री का वर्क है, पार्ट थ्री, ठीक है, पार्ट थ्री। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए अनार, अनार को हिंदी में अनार कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अनार को, पम ग्रांट, क्या कहते हैं, पम ग्रांट। पम ग्रांट की स्पेलिंग है पी ओ एम ई, पम जी आर ए एन ए टी ई, ग्रांट, पम ग्रांट, ठीक है। दिए गए रंगीन अनार के अनुसार रंग भरिए, यानी कि जैसे अनार दिया गया है इसी के अनुसार हमें क्या करना है, रंग भरना है। ये कलर द पम ग्रांट विद द सेम कलर एज शो, हमें क्या करना है, सेम कलर करना है अनार के जैसे, जैसे ऊपर पिक्चर दी गई है अनार की, इसी तरीके से देखिए हमने भी कलर कर रखा है। ये हमने पहले फिल कलर कर लिया है, देखिए यहाँ पर भी मैंने छोड़ा है थोड़ा ताकि हम आपको बता सकें। इसी तरीके से क्या करना है, हमें कलर करना है। देखिए यहाँ पर ये लाइनें साइड में दी जाती हैं इस तरीके से, देखिए ये रेड की है, ये ब्राउन, ये ग्रीन, इस तरीके से हमें क्या करना है, कलर फिल करना है। देखिए किस तरीके से हमने कलर फिल को फिल करा है बिल्कुल क्लीन। देखिए ये हमारे पार्ट थ्री का वर्क है, ये भी यहाँ पर भी हम लिखेंगे पार्ट थ्री, ठीक है, ये भी पार्ट थ्री का वर्क है। देखिए झोंपड़ी, झोंपड़ी हिंदी में झोंपड़ी कहते हैं, इंग्लिश में हट कहते हैं, एच यू टी हट। दी गई रंगीन झोंपड़ी के अनुसार रंग भरिए, क्या करना है हमें, दी गई झोंपड़ी के अनुसार रंग भरना है। कलर द हट विद द सेम कलर एज शोन, देखिए बिल्कुल सेम कलर यहाँ नीचे किया है। देखिए इसी तरीके से सेम कलर आप भी करेंगे, सभी बच्चे सेम कलर करेंगे इसी तरीके से। आज आपका ये पार्ट थ्री का वर्क है, सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।